गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी विलयता नाम के लेसन में मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स की, जो कि आप एकॉमोडेशन के एग्जाम के लिए साथ ही आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो ये नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आएगा। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे विलयता पर यानी सॉलिबिलिटी पर। सॉलिबिलिटी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन कंपटीशन में और साढ़े ही बोर्ड के एग्जाम में और डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स और मेरे कंटेंट्स आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचते रहें। तो स्टडी करते हैं विलयता यानी सॉलिबिलिटी। अगर हम सॉलिबिलिटी यानी विलयता के डेफिनेशन की बात करें परिभाषा के रूप में, तो किसी भी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा यानी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट जो कि किसी विलायक यानी सॉल्वेंट को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे, सैचुरेट कर दे, संतृप्त कर दे। तो पहले परिभाषा समझते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। निश्चित ताप पर यानी टेम्परेचर फिक्स रहेगा, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक को संतृप्त करती है विलेयता कहलाती है। मीन एट फिक्स टेम्परेचर द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनी सॉल्यूट विच सैचुरेट द सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स सॉलिबिलिटी। अब इसको हिंदी में समझिए, जैसे कोई विलायक है, कोई सॉल्वेंट है, पानी है, आपने 100 ml पानी ले रखा है, तो इस पानी में जो आप सॉल्यूट डाल रहे हैं, विलेय पदार्थ डाल रहे हैं, चाहे वो नमक हो और चाहे वो शक्कर हो, तो कितनी शक्कर डालने पर, जैसे मैं शक्कर डाला घुल जाएगी, फिर डाला घुल जाएगी, फिर डाला घुल जाएगी, लेकिन शक्कर की क्वांटिटी बढ़ाते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उस पानी में शक्कर घुलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व करने की, विलीन करने की क्षमता थी वो पूरी हो गई है, यानी उसमें अब और विलेय पदार्थ यानी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, नहीं घुलेगा। इसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन, यानी विलयन में अब और विलेय नहीं घुल पाएगा। तो जितनी शक्कर लगी उस 100 ml पानी को सैचुरेट करने में, संतृप्त करने में, वही उसकी विलेयता या वही उसकी विलेयता की क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से विलेयता आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें कि विलेयता डिपेंड किस पे करती है, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट की जो सॉलिबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो जो पहला कारक है वो है ताप पर। तो लेकिन ताप को समझने से पहले, जैसे ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, इसको बहुत बारीक से समझिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी विलेय पदार्थ की यानी सॉल्यूट की विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, ये डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है यानी ऊष्माक्षेपी है, या इंडोथर्मिक है यानी ऊष्माशोषी है। अगर रिएक्शन होने पर एक्सोथर्मिक है यानी रिएक्शन होने पर पानी के अंदर जब वो पदार्थ जाता है, वो सॉल्यूट घोला जाता है, तो ऊष्मा निकलती है, यानी रिएक्शन जो हो रहा है वो ऊष्माक्षेपी है, इसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक कहते हैं, तो ताप बढ़ाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने वहाँ टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता घट जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें सॉल्यूट यानी विलेय को घोलने के लिए हमें उसको गर्म करना पड़ता है, यानी उसको हीट की ज़रूरत है, तो हिंदी में वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और इंग्लिश में वो क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा कि सिंपली ताप बढ़ाने पर विलेयता घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है विलायक की प्रकृति पर। हमें मालूम है कि हर विलेय यानी हर सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में यानी विलायक में नहीं घुल पाता। अगर मिट्टी के तेल में शक्कर डाल दिया जाए नहीं घुलेगा। तो इसलिए किसी भी विलेय की विलेयता ज़्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड करता है कि विलायक कैसा है। अगर सब्सटेंस जो आप घोल रहे हो
वो उस विलायक में घुल सकता है तब तो विलेयता कम या ज्यादा होगी, लेकिन अगर विलायक ही एकदम अपोजिट है तो विलेयता शून्य होगी। जैसे शक्कर को अगर हम मिट्टी के तेल में डाल दें नहीं घुलेगा, पेट्रोल में डाल दें नहीं घुलेगा, लेकिन रबर को हम पेट्रोल में डाल दें घुल जाएगा। तो विलायक कैसा है इस पर डिपेंड करेगा कि विलेयता कैसी है, तेज है या कम है। नेक्स्ट, कणों के आकार पर जो सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंड करती है कि जो आपने सॉल्यूट लिया है विलेय उनके कणों का आकार कैसा है, बड़े कण हैं या छोटे कण हैं। इसको आप एग्जांपल समझिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, प्रैक्टिकल सोचिएगा, और आपने चीनी ले लिया है, शक्कर जो शक्कर दानेदार है और मोटे मोटे दाने हैं, और दूसरे गिलास में आपने उतना ही पानी लिया है, उसमें आपने पिसा हुआ शक्कर जिसे हम घोटी शक्कर भी कहते हैं, शक्कर का पाउडर कहते हैं, वो डाल दें, तो आप खुद बताओ कि जल्दी कौन सा शक्कर घुलेगा। तो जल्दी वो शक्कर घुलेगा जो आकार में साइज में छोटा है, जिसको हम घुली पिसी हुई शक्कर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विलेय के कणों का आकार छोटा होगा तो उसकी विलेयता ज़्यादा होगी, विलेय कणों का आकार बड़ा होगा तो विलेयता कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है तनुता पर। तनुता का मतलब इंग्लिश में होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को हिंदी में आप कह सकते हो पतला विलयन। एग्जाम्पल समझिए, अगर हमने 100 ग्राम शक्कर लिया है और उसको एक कटोरी पानी में डालेंगे तो देर से घुलेगा, लेकिन उसी 100 ग्राम शक्कर को ग्लास भर पानी में डाल दें जल्दी घुलेगा, उसी 100 ग्राम शक्कर को एक बाल्टी पानी में डाल दें और जल्दी घुलेगा, उसी 100 ग्राम शक्कर को एक ड्रम पानी में डाल दें बहुत जल्दी घुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डाइल्यूशन बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है दाब पर। तो जो भी किसी भी विलेय की विलेयता होती है, ठोस की और द्रव की विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करती। अगर कोई भी सॉलिड किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, घुल रहा है, तो प्रेशर का उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गैस डिजॉल्व हो रही है तो प्रेशर का असर पड़ेगा, क्योंकि दाब बढ़ने पर जो गैस है वो द्रव में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थी विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इनको प्लीज़ बारीकी से समझ भी लीजिएगा और इनकी स्टडी भी करिएगा। अब हम समझते हैं कि परासरण और विसरण यानी डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस क्या होता है। परासरण और विसरण यानी डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, ये दो की डेफिनेशन यानी परिभाषा और इनके अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इस कंफ्यूजन को यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। तो पहले हम समझते हैं कि परासरण क्या होता है। तो आपने देखा होगा, पहले मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, आपने देखा होगा कि अगर हम चने को, सूखे चने को पानी के अंदर डाल देते हैं तो सुबह वो चना हमें फूला हुआ मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी चने के अंदर प्रवेश कर गया यानी एंट्री कर गया। इसमें इससे क्या हुआ कि जो चना था, चने के अंदर जो भी लिक्विड था वो कंसंट्रेट था यानी गाढ़ा था। पानी कैसा था? तनु था यानी डाइल्यूट था। तो पानी ने एंट्री किया किसके अंदर? चने के अंदर। यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, तनु विलयन था, वो किधर गया? सांद्र की ओर गया। तो इसी प्रोसेस को हम परासरण यानी ऑस्मोसिस कहते हैं, और ये क्रिया एक अर्ध पारगम झिल्ली यानी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। तो अब हम इनके अंतर के डेफिनेशन को समझते हैं। नंबर वन, इसमें तनु से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होता है, यानी जो परासरण क्रिया होती है यह स्वतः यानी खुद होती है, और इसमें जो विलयन होता है, समझ लीजिएगा विलयन माने सॉल्यूशन, तो इसके दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो परासरण क्रिया में केवल विलायक इधर से उधर जाएगा, जैसे हमने चने में पानी को डाल दिया या पानी में हमने चने को डाल दिया और उस पानी में बालू भी भरा हुआ है, तो बालू अलग रह जाएगा, चने के अंदर से पानी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ विलायक यानी सॉल्वेंट ने क्रॉस किया, क्लियर, और चने के अंदर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कैसी है? उच्च है, वो सांद्र है, और पानी कैसा है? तनु है। तो तनु से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, अपने आप वो प्रवाह हुआ है। नंबर टू है कि विसरण में क्या होता है, कि विसरण में गैस जो होता है ये उपलब्ध आयतन में जितना भी स्थान उसको मिलता है उसमें ये एक बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर फैल जाता है। जैसे एक बहुत बड़े कमरे में हम ज़रा सी परफ्यूम छिड़क दें तो कमरे का कोना कोना महकने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परफ्यूम में जो ज़रा सी गैस निकली थी वो पूरे कमरे में जितनी भी जगह थी उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बराबर बट गई। इसी क्रिया को हम विसरण कहते हैं। नंबर टू पॉइंट है कि परासरण में अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है।
अर्ध पारगम, अर्ध माने आधा, पारगम आर पार जा सके, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब समझिएगा, कोई भी विलयन जो होता है सोल्यूशन, इसके दो पार्ट होते हैं विलय और विलायक, तो कोई भी ऐसी झिल्ली जो सोल्यूशन के किसी एक पार्ट को अपने आर पार जाने दे तो क्या हो गई, अर्ध पारगम झिल्ली हो गई, यानी वो सेमी परमिएबल है, उसमें से सोल्यूशन का आधा पार्ट ही इधर जा सकता है। क्लियर? और कौन सा पार्ट जाता है, वो पार्ट जाता है विलायक यानी सॉल्वेंट। एग्जाम्पल समझिए, आप चाय बनाते हो, चाय में खूब ढेर सारी चीज़ें डालते हो, लेकिन जब छन्नी से छानते हो तो इस तरफ लिक्विड ही निकलता है और सारी सॉलिड चीज़ें छन्नी के अंदर रह जाती हैं। ऐसे ही अगर हम खूब गंदे से पानी में चना डाल दें तो चने के अंदर सिर्फ पानी ही जाएगा, गंदगी बाहर रह जाएगी। तो जो चने के बाहर एक लेयर है, पतली से लेयर जिसको हम छीलते हैं, वो क्या है, वही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम झिल्ली। उसी से छन करके सिर्फ पानी अंदर जा पा रहा है, बालू बाहर रुक जा रहा है। हमारी स्किन में भी नेचर ने ये जो ऊपर की लेयर है इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाया है। आपको याद हो तो आपके इससे त्वचा से सिर्फ पसीना बाहर निकलता है, किडनी और लंग्स बाहर नहीं आ जाते हैं। तो हमारी स्किन भी कैसी है, सेमी परमिएबल है, हिंदी में अर्ध पारगम है। तो परासरण क्रिया में अर्ध पारगम झिल्ली की जरूरत पड़ती है और विसरण क्रिया में अर्ध पारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कि परासरण दाब उत्पन्न होता है। तो जब परासरण क्रिया में यानी ऑस्मोसिस में लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट विलायक इधर से इधर जाएगा तो वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है यानी अर्ध पारगम झिल्ली है उस पर प्रेशर डालेगा ना। जब आप छन्नी में चाय गिराते हो तो छन्नी पर प्रेशर लगता है ना, तो वो क्या है, वही है परासरण दाब। तो इस क्रिया में परासरण दाब उत्पन्न होता है, विसरण क्रिया में परासरण दाब उत्पन्न नहीं होता बल्कि प्रेशर घटता है, क्योंकि गैस फैल जाती है और जब किसी चीज़ का आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर यानी दाब घटेगा। लास्ट पॉइंट है कि परासरण क्रिया जो होती है ऑस्मोसिस केवल विलायक के अणुओं में होता है, यानी कि विलयन के जो दो भाग हैं विलेय और विलायक, उसमें से केवल विलायक यानी लिक्विड वाला पार्ट ही इधर से उधर जा सकता है। विसरण क्रिया में पूर्ण गैस यानी पूरी पूरी गैस और पूरे पूरे द्रव में ये क्रिया होती है, यानी कि विसरण क्रिया डिफ्यूजन सिर्फ लिक्विड में पाई जाती है। पानी किसी बर्तन में रख दो एक बराबर फैल जाएगा, गैस कहीं पर रख दो एक बराबर फैल जाएगा। तो विसरण क्रिया गैस में और द्रव में, और परासरण क्रिया सिर्फ द्रव में होती है और द्रव के किस भाग में, सिर्फ विलायक में होती है। और परासरण क्रिया में परासरण दाब पैदा होता है, इसमें पैदा नहीं होता। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको प्लीज़ क्लियरली देख लीजिएगा, आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा और जब पूछा जाएगा तो आप मुझे याद करेंगे कि हाँ सर आपने बताया था। अब हम स्टडी करते हैं कुछ रूल्स की, जो हेनरी का रूल है और राउल्ट का नियम है। ये दोनों रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके न्यूमेरिकल्स और इनके डेफिनेशन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो एक ही नंबर में वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछे जाएं और कंपटीशंस में भी इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं हेनरी ने क्या कहा था। तो हेनरी रूल ये कहता है कि इसके अनुसार स्थिर ताप पर यानी ताप फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, किसी गैस की विलेयता यानी सॉलिबिलिटी गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, यानी प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा गैस की विलेयता यानी सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, प्रेशर जितना ज़्यादा घटेगा गैस की विलेयता यानी सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा घटती जाएगी। नेक्स्ट स्टडी करते हैं राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी गैस का वाष्प दाब, जिसको आप वेपर प्रेशर बोलते हो, विलयन में विलेय यानी सॉल्यूट के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मीन द वेपर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी किसी भी विलयन में किसी भी विलेय का जो प्रेशर होगा वो उसके मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। और मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पीछे पढ़ाया था कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो अगर हम विलेय के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट के मोल यानी विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल, क्योंकि किसी भी विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, तो विलेय के मोल को स्मॉल एन से और विलायक के मोल को इस कैपिटल एन से शो करते हैं। विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जो मोल होता है
वो पदार्थ का भार बटे अणुभार होता है, यानी स्मॉल n की जगह पर आ जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन इस स्मॉल n की जगह पर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल n की जगह पर कैपिटल w अपॉन कैपिटल m, जहां पर स्मॉल w क्या है, विलेय यानी सैल्यूट का भार है, स्मॉल m क्या है, विलेय यानी सैल्यूट का अणुभार है जिसको मॉलिकुलर मास बोलते हैं, और कैपिटल w क्या है, सॉल्वेंट यानी विलायक का भार है, और कैपिटल m क्या है, सॉल्वेंट यानी विलायक का अणुभार है। तो ये राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद बहुत आसान है। जब आप फिर से रिपीट कर देते हैं कि हेनरी का नियम ये कहता है कि किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता है वो दाब पर निर्भर करती है। प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी गैस में जो प्रेशर होता है वो विलेय के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। क्लियर। अब हम स्टडी करते हैं कि हेनरी के रूल और राउल्ट के नियम की लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या हैं, यानी ये नियम कहां पर अप्लाई होंगी और कहां पर अप्लाई नहीं होंगी। तो अगर हम हेनरी और राउल्ट दोनों के नियम के लिमिटेशंस की बात करें तो पहले हम स्टडी करते हैं कि जो हेनरी के नियम है ये कहां तक लागू होते हैं, इनके लिमिटेशंस क्या हैं। तो नंबर वन, गैस आदर्श होना चाहिए, यानी कि जो हेनरी का नियम है ये सिर्फ आदर्श गैस पर निर्भर करता है, यानी आदर्श गैस पर ही काम करता है। अगर आपको ना क्लियर हो कि आदर्श गैस क्या होता है, तो वो गैस जो गैस के सभी नियमों का, बैल के नियम का, चार्ल्स के नियमों का, सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करता है, ऐसे गैस को हम आइडियल गैस या आदर्श गैस कहते हैं। तो अगर गैस आदर्श है तो हेनरी नियम उस पर लागू होगा, अदरवाइज हेनरी का नियम उस पर लागू नहीं होगा। दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। अगर किसी भी अभिक्रिया के दौरान दाब यानी प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है तब तो हेनरी का नियम वहां पर लागू होगा, अदरवाइज हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। यानी सरल भाषा में हेनरी का नियम लो प्रेशर पर लागू होता है, हाई प्रेशर पर लागू नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर हाई है तो इनका नियम काम करेगा, टेम्परेचर लो है तो रूल काम नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट है, गैस विलायक से संगुणन या अपघटन ना करे, यानी कि यह भी शर्त है कि जो हमने विलायक में विलेय डाला है, सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, वो सॉल्यूशन के साथ ना तो संगुणन करे यानी एसोसिएशन रिएक्शन ना करे, कि मालूम चले कि हमने विलेय डाला तो विलायक के साथ जुड़ करके कुछ और बना दे, और ना ही उसमें अपघटन करे यानी कि विलेय विलायक में जाने के बाद अलग अलग टुकड़ों में टूट जाए, जैसे नमक वाटर में जाकर के Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता। आप समझते हैं कि राउल्ट के नियम के लिमिटेशंस क्या हैं। तो राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो राउल्ट का नियम लागू होगा, सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट यानी तनु नहीं है तो राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन के बारे में आप नहीं जानते हो तो समझ लीजिए कोई भी ऐसा विलयन यानी सॉल्यूशन जिसमें विलेय यानी सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो, जैसे फीका शरबत, कि शरबत बना है मगर शक्कर कम है यानी उसमें मिठास कम है, तो उसको बोलते हैं तनु विलयन। तो ऐसे ही विलयन पर राउल्ट का नियम लागू होता है। नंबर टू है कि विद्युत अपघट्य विलयन पर नहीं लागू होता। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में यानी वाटर में डिजॉल्व होकर के आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, यानी आयनों में टूट जाते हैं, इन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। यानी कि राउल्ट का जो नियम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अनअपघटनीय पदार्थों पर ही लागू होता है, यानी ऐसे पदार्थ जो वाटर में घुल करके ब्रेक नहीं होते। लास्ट है कि विलेय यानी सॉल्यूट विलयन से संगुणन यानी एडिशन रिएक्शन व अपघटन यानी डिसोसिएशन रिएक्शन ना करें, यानी कि विलेय जब विलयन में जाएं तो वो विलयन के साथ क्रिया करके कुछ और नया पदार्थ ना बनाएं या विलयन के अंदर आयनों में ना टूटें। इन सभी कंडीशंस में राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम लागू होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आया है। फिर भी अगर परासरण, विसरण, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, विलेयता, इन सब में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उसका सलूशन ले सकते हैं या पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया टॉपिक है तो आप बताइएगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी मेहनत का फल मुझे मिले और मेरे अपडेट्स और आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, इनकी स्टडी करेंगे, जिसे हम विलयन का अणुसंख्य गुण कहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।